हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। ओके, नाउ टाइम्स टू लर्न। लेट अस लर्न मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ओके। सो यू मस्ट हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पार्ट वन। यू मस्ट हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पार्ट वन, ओके स्टूडेंट्स। एंड यू हैव टू ओपन पेज नंबर 49, ओके। वी हैव टू ओपन पेज नंबर 249। वी आर लर्निंग अवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज एडिशन। व्हाट इज अवर चैप्टर नेम? यस, एडिशन। ओके, सो नाउ टुडे ऑन द पेज नंबर 49 वी आर गोइंग टू लर्न सम एप्लीकेशन एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस लर्न द एग्जांपल नंबर 12 एंड 13 फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व एप्लीकेशन एग्जांपल्स ऑन अ बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, so let us read with me and learn that example. Let us learn example number 12. Example number 12. So in a class, team A has 5 students and team B has 7 students. How many students are there in all? ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर बताया है कि टीम ए में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, एंड टीम बी में 7 स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये हमें पूछा है। तो हमें पता है अभी एडिशन किस तरह से करते हैं। सो यहाँ पर दो में से बिगर नंबर कौन सा है, ये हमें देखना है। विच वन इज़ द बिगर नंबर? यस, 7 इज़ द बिगर नंबर। सो लाउडली, तो यहाँ पर देखते कि सॉल्यूशन किस तरह से लिखा है। तो देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीम ए इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टीम बी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 7 नंबर लाउडली बोलना है और आगे 5, टीम ए में कितने, फिर 5, जो स्मॉलर नंबर है उसको क्या करना है, उंगलियों पर हमें पकड़ना है। तो 7 बोलना है लाउडली, 7, देन 5 उंगलियाँ, 5 उंगलियाँ पकड़नी, 5, 7, और लाउडली बोलो 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। वी हैव टू काउंट लाइक दैट, 8, 9, 10, 11, 12। तो 7 में हमने कितने काउंट किए, 5। तो हियर वी गेट हियर आंसर, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 12। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बिगर नंबर को हमें क्या करना है, लाउडली बोलना है और आगे के नंबर अपने फिंगर्स में ओपन रखकर उनको काउंट करते हुए आगे गिनना है, मेजर करना है। ओके ओके, काउंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिमिलरली लेट अस सॉल्व द एग्जांपल नंबर 13। तो चलो इस एग्जांपल में आपको करना है फिर काउंट। लेट अस रीड द एग्जांपल। सीमा has 3 milk chocolates and 6 dark chocolates. How many chocolates does she have in all? सीमा के पास 3 milk chocolates हैं और 6 dark chocolates हैं। तो कुल मिलाकर उसके पास कितने chocolates हैं? We have to count it. तो यहाँ पर हमें as we know the addition. सो पहले हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर बोलते हैं। तो लार्ज नंबर क्या है, 6।
तो स्मॉल नंबर कौन सा है? थ्री। तो स्मॉल नंबर पकड़ना है उंगलियों में, पकड़ो थ्री, थ्री, वेरी गुड। लार्ज नंबर कौन सा है? सिक्स। तो सिक्स के आगे तीन उंगलियां काउंट करनी है, तो सिक्स, बोलो लाउडली, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यस। सो जो हमारा काउंटिंग नंबर आया कौन सा आया? नाइन। तो नाइन इज अवर आंसर। सो हियर वी नो दैट नंबर ऑफ मिल्क चॉकलेट्स थ्री, नंबर ऑफ डार्क चॉकलेट सिक्स, एंड वी काउंट सिक्स के आगे हमें काउंट करने हैं तीन नंबर्स। सो वी होल्ड अवर थ्री फिंगर्स एंड काउंट थ्री नंबर्स, सिक्स। सो वी हैव टू से लाउडली, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। सो वी कैन राइट हियर, सो सीमा हैज नाइन चॉकलेट्स इन ऑल। ओके स्टूडेंट, सो लाइक दैट वी आर नाउ गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से देखने हैं और झट से जवाब बता देने हैं। लेट अस लर्न। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस लर्न सम एग्जांपल्स ऑन अ बोर्ड। ओके, सो हियर लेट अस लर्न सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऑलरेडी वी आर लर्निंग अवर चैप्टर नंबर 4 एडिशन। ओके, सो हियर आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स। सो नाउ इट इज एग्जांपल 1 एंड इट इज एग्जांपल नंबर 2। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट वन एग्जांपल। सो लेट अस रीड दैट एग्जांपल। यस, देयर आर 5 brown dogs. How many dogs? 5 brown dogs. 3 white dogs. 3 white dogs. How many dogs are there in all? तो यहाँ पर क्या है? 5 brown dogs है और 3 white dogs है, तो कुल मिलाकर 3 white dogs है। कुल मिलाकर कितने डॉग्स हैं यहाँ पर, ये हमें ढूंढना है। तो चलो यहाँ पर ये करना है, आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है? और यहाँ पर देखो सारे हमारे वन डिजिट है ना, तो वन डिजिट है इसलिए हम टेबल में बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे फोर बॉक्स बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे यहाँ पर ओ फॉर वन प्लेस, ओ फॉर वन प्लेस। देन देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने डॉग्स हैं यहाँ पर, 5 डॉग्स। सो हियर आई हैव रिटर्न 5, कितने हैं वाइट डॉग्स? 3। सो हियर आई रिटर्न नंबर 3। सो नाउ लेट अस डू द एडिशन ऑफ दैट टू नंबर्स। ओके, सो चलो एडिशन करते हैं। तो विच नंबर इज द बिगर इन दिस? ओके, सो 5 नंबर इज द बिगर नंबर, सो वी हैव टू ऐड 3 नंबर्स इन इट। ओके, सो वी हैव टू लाउडली से 5 एंड वी हैव टू होल्ड 3 फिंगर्स, तीन उंगलियां पकड़नी हमें यहां पर और लाउडली कहना है 5 6 7 8। तो हमारी एडिशन कितनी आ गई? 5 प्लस 3 8। So I have to write down here, answer is the 8. So 8 is my answer. So kitne dogs hai yahan par? Yes, there are 8 dogs in all. So let us write down, there are 8 dogs in all. Okay, so here we solve the word problem. Similarly, you have to solve in your mathematics notebook. Now let us solve example number 2. I am reading the example. Let us
example with me. Are you ready to read the example? Let us read. In a garden, there are four red birds. Four red birds. Two green birds. And two white birds. How many birds in all? तो यहाँ पर एक गार्डन है. गार्डन में क्या है? चार, four red birds है, two green birds है, and two white birds है. तो कुल मिलाकर कितने birds है? तो यहाँ पर देखो तीन numbers आ गए. तो हमने सीखी थी ना तीन numbers की addition कैसे करते हैं? Yes, हमने सीखी थी. तो यहाँ पर चलो करते हैं addition of three numbers. तो क्या करने हैं हमें यहाँ पर? Let us make a box. बॉक्स बनाना है. जैसे तीन नंबर से तो यहाँ पर बॉक्स ज्यादा आएंगे हमारे. पहला बॉक्स आएगा वन प्लेस के लिए. हियर राइट डाउन ओ फॉर वन प्लेस. देन वन टू एंड थ्री एंड वन बॉक्स फॉर आंसर. सो पहले कितने बर्ड्स थे? फोर. रेड बर्ड्स कितने थे? फोर. सो आई हैव रिटन हियर फोर. ग्रीन बर्ड्स कितने थे? टू. सो हमें करने फोर प्लस टू. फोर प्लस टू. देन व्हाइट बर्ड्स कितने थे? व्हाइट बर्ड्स अगेन थे टू. व्हाइट बर्ड्स कितने थे अगेन? टू. तो हमारा आएगा फिर से टू. नाउ लेट अस ऐड दैट नंबर्स. ओके, फोर प्लस टू. तो पहले इन दोनों को ऐड करना है और बाद में इनको ऐड करना है. चलो लाउडी कहना है फोर और इन दोनों का ऐड करते हैं. हैंड में पकड़ना है टू फोर फाइव सिक्स. यहाँ पर कितना गया नंबर हमारा? फोर प्लस टू आ गया हमारा सिक्स. बट फिर भी हमें ये टू ऐड करने हैं. यस नो? तो सिक्स. चलो आगे अगेन टू ऐड करते हैं. सिक्स फिर से पकड़ना है टू. सिक्स सेवन एट. ओके सो वी गेट हियर आंसर एट. वी गॉट हियर नंबर इज द एट. सो हाउ मेनी बर्ड्स इन ऑल? सो टोटल एट बर्ड्स इन ऑल. सो टोटल कितने बर्ड्स हैं यहां पर गार्डन में? यस टोटल एट बर्ड्स इन ऑल. ओके स्टूडेंट, सो लाइक दैट यू आल्सो हैव टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स दैट आई विल गिव टू यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ऑल आर रेडी टू सॉल्व दैट एग्जांपल? इट्स सो इजी. यस नो स्टूडेंट? ओके सो बाय बाय फॉर नाउ. टेक केयर. सी यू.